मंडी लोकसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रामपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डेढ़ दर्जन स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं करके लोगों से वोट मांगे। मंडी लोकसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रामपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डेढ़ दर्जन स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से वोट मांगे गए। इस दौरान शिंगला और आसपास के कई कांग्रेसी लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिनका रामस्वरूप शर्मा ने माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी को पुनः सत्ता में लाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट देना जरूरी है। मोदी के प्रयासों से हर क्षेत्र में लोगों को पिछले 5 वर्षों से लाभ मिल रहा है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि गरीबों बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ा हो या फिर महिलाओं के लिए, भाजपा ने हर किसी के लिए काम किया है। मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर मोदी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश की है, ताकि देश की जनता को पूर्व की तरह बेवकूफ बनाकर जनता का नहीं बल्कि अपना विकास किया गया। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा अल्प समय में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि बुढ़ापा पेंशन को 80 से घटाकर 70 साल किया गया, जिससे बुजुर्गों को सहारा मिला है। उन्होंने लोगों से किसी के झांसे में न आने की सलाह दी और अपने विवेक का काम लेते हुए मोदी को मजबूत करने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से उनके लोकसभा हलके में जो भी विकास के अधूरे कार्य रहे हैं, उन्हें वे पूरा करेंगे, चाहे वो नमक उद्योग हो या 4 लेन या फिर नेशनल हाईवे व टनल आदि का निर्माण क्यों न हो। आने वाले समय में मुख्य किन बातों पर आप फोकस करेंगे? रामपुर जी जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का गृह क्षेत्र है और यहाँ बहुत से काम लंबे पड़े हैं। मैं चाहूँगा कि इन 5 वर्षों में, क्योंकि सरकार बनने के बाद ही काम शुरू होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जो यहाँ के काम लंबे पड़े हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करो, चाहे फलों पर आधारित उद्योग लगाने की बात हो, उन सारे कामों को धरातल पर उतारने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी बनेगी और हिमाचल में मुख्यमंत्री जी होंगे, तो जो भी रामपुर से संबंधित काम है उनको पूरा किया। तो शुक्रवार मैंने अपने परिवार की चिंता की, मंडी पार्लियामेंट को लेना देना नहीं, इसलिए रामपुर वासियों से, सिमड़ा वासियों से प्रार्थना करने आया हूँ कि अपने परिवार बात की लड़ाई लड़ते रहे शुक्रवार, विकास को छोड़कर एक बार उन्हें इतिहास याद रहना है। इसलिए मैं विनती करूंगा, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, पूरा देश। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।